क्या हो गया, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा? पता नहीं कौन है मैडम। आप मिस मोना है, बाबर साहब की वाइफ? जी मैं एक मशहूर न्यूज चैनल का रिपोर्टर हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रहा था बाबर साहब के हवाले से। सुना है कि आपके हस्बैंड बाबर ने अपने कॉम्पिटिटर की जैसी कैंपेन डिजाइन की थी पर उससे पहले रिलीज नहीं कर पाए और इल्जाम है कि चोरी की थी। मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया। मेरे हस्बैंड क्यों किसी की कैंपेन चोरी करेंगे, और अगर चोरी हुई होगी तो उनकी कैंपेन चोरी हुई होगी, समझे आप? लेकिन इल्जाम तो उन पर है। इल्जाम का क्या, वैसे तो मैं आप पे भी इल्जाम लगा सकती हूँ कि जबरदस्ती मेरे घर में घुस के चोर आया और मेरे घर के सारे एंटीक्स लेकर जा रहा था। मैंने कोई चोरी नहीं की। इसी तरह बाबर ने भी कोई चोरी नहीं की। एक बात सुने, जब किसी के घर के गार्ड्स अंदर नहीं आने देते ना, जबरदस्ती आने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में यहाँ कैमराज लगे हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग मैं इंटरनेट पर डाल दूँ या फिर किसी प्राइवेट न्यूज चैनल को दे दूँ, तो दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना सीखें। थैंक यू। अगर आपके सवाल जवाब का सेशन कंप्लीट हो गया हो तो इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सुना है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर एजेंसी की कैंपेन कॉपी की है, सुना है? कुछ तो बताएं सर। अब क्या, अब वो कैंपेन का क्या? सर सर कुछ तो बताएं। आपकी मिसेस को इतना यकीन क्यों है कि आप किसी की कैंपेन चोरी नहीं कर सकते, हालांकि यहाँ आप साफ मुजरिम नजर आते हैं। सर फेमस मॉडल जी भी इस एड में, जी आजकल आपके काफी करीब है, तो क्या ये सिर्फ इत्तफाक है कि वो इस एड में जिस एड की चोरी का इल्जाम आप पर और आपकी एजेंसी पर लग रहा है? सर आपकी नेक नामी दाव पर है। सर सर बात तो सुने सर। मुझे लगता है कि इसकी माँ को ना इसकी हिमायत हासिल है। जब भी उन्होंने ये बात इतने धड़ल्ले से मुझसे कर दी, एक जगह पर रहे और दिल में गिले शिकवे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इससे बेहतर है कि अच्छे माहौल में जाके रहा जाए, और ये फैसला मैंने तुम दोनों की बेहतरी के लिए किया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी अपनी बेहतरी के लिए खुद सोचना शुरू कर दो। ना तुम्हारी वजह से मामा हर्ट हो गए और उन्हें देख के मैं परेशान। इरफान इसमें मेरी क्या गलती है? अलग घर वाली बात मम्मा ने की थी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था। अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुमने आंटी से मुतालबा किया नए घर का। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तो तुमने मुझे मौका दिया। देखें आप आंटी का गुस्सा ना मुझ पर उतार रहे हैं। मैं परेशान, मैं मामा को यूं नहीं देख सकता। हाँ तो मुझे भी ये बात बर्दाश्त नहीं है। पता है शादी से पहले ना मेरी दोस्त मुझसे कहती थी कि किस तरह से अपनी सास को काबू में करना है, उनका मुकाबला करना है, लेकिन मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आंटी हैं इतनी अच्छी। अच्छी भी और सख्त भी। हाँ लेकिन उनकी सख्ती में भी उनकी फिक्र है। पता है दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपकी इस तरह फिक्र करें। किंतु मैं नहीं चाहता कि मामा के दिल में तुम्हारे लिए कोई बदगुमानी हो। उनका दिल कौन साफ करेगा? आप इसकी फिक्र क्यों करते हैं, वो मैं देख लूंगी ना। मुझे तो बस ये फिक्र है कि क्या आपका दिल मेरे लिए साफ है। साफ है दिल।